वेल सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आप देख रहे हैं जेनिक्स गेमिंग, और आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी गेम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको देख के मतलब जिसको आप खेल के आप बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाने वाले हो। तो पहले तो ये गेम का नाम है GTA San Andreas। ये आप बोल रहे सोच रहे हो कि भाई मैंने तो अभी बोला बहुत अमेजिंग सी गेम के बारे में बताने वाला हूँ और ये GTA San Andreas का नाम क्यों बोल रहा है। ये तो काफ़ी पुरानी गेम है और आपने बहुत बार खेल चुकी होगी, राइट। तो अगर जब हम बात करते हैं कि ये गेम आपको अमेजिंग क्यों लगने वाली है, आपको एकदम बेहतरीन और एकदम तड़कती फड़कती क्यों लगने वाली है, तो भाई इसका एक ही रीज़न है कि आपको ये गेम एकदम मतलब खेलने में मतलब ऐसा मज़ा ही आ जाएगा। उसका एक ही रीज़न है और वो रीज़न ये है कि आप ये गेम अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर ऑनलाइन खेल सकते हो। अभी बहुत ही ईजी मेथड है, ठीक है। आपको सिर्फ दो चीज़ें डाउनलोड करनी है, वो मैं अभी आपको पूरे जो भी हम वीडियो देखते हैं देख रहे हैं मैं अभी आपको वो उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ऑलराइट। तो अगर चैनल पे नए हो तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको वो सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाते रहूँगा और आपको देते रहूँगा। और सेकेंडली मैं डेली स्ट्रीम करता हूँ अपने चैनल पे, यही चैनल पे, ठीक है। दोपहर को 2 बजे के आसपास मैं स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ और जो कि अराउंड 5-6 बजे तक मैं चालू रखता हूँ, ठीक है। और जो रात को जो स्ट्रीम है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, रात की जो स्ट्रीम है वो मैं स्टार्ट करता हूँ 9 बजे के अराउंड, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आपको क्या है कि मेरी मैं जब भी लाइव जाऊँगा और आपको जब भी मैं कोई मतलब मैं जब भी लाइव जाऊँगा और जब भी कोई वीडियो को मैं अपलोड करूँगा तब आपको नोटिफिकेशन जाए, उसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में बेल आइकन है करके बेल आइकन को भी दबा देना है। शुरू करते हैं, ठीक है, एक छोटे से इंट्रो के साथ, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से बता दूंगा, अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आप ये कैसे खेल सकते हो। मतलब ये कोई क्लिक बेट नहीं है, अभी से बता रहा हूँ ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये एकदम ट्रू है और काम भी करने वाली है, ठीक है। सो या लेट्स गो। देखो सबसे पहले क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, वीडियो को नीचे स्क्रॉल करोगे तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि आपको दो लिंक्स मिलेगी, दो लिंक्स किसकी होगी, एक तो होगी GTA San Andreas की मीडिया फायर की लिंक, जहाँ पे आपको GTA San Andreas डाउनलोड करने के लिए मिलेगा जो आपको डाउनलोड करना है। ये नॉर्मल GTA San Andreas अपनी गेम रहती है वही गेम है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल पे लगा देता हूँ, ये भाई ये पढ़ोगी, ठीक है। GTA San Andreas देखो ये डाउनलोड जो है मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, 582 MB की गेम है जो मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, ठीक है। आपको एक तो ये वाली लिंक मिलेगी, ठीक है, GTA San Andreas की मीडिया फायर। दूसरी लिंक है, ये जो लिंक है ये सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है, ठीक है। ये वो एक क्या बोलते हैं मल्टीप्लेयर, ये एक मॉड है, मॉड तो नहीं, हाँ मतलब टाइप ऑफ मॉड ही बोल सकते हैं, जो मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगा जिससे आप GTA San Andreas जो है वो अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये गेम को इंस्टॉल कर देना, ठीक है। इंस्टॉल करके अनजिप करके वगैरह वगैरह सब जो है एकदम कंप्लीट कर देना है। एक काम करते हैं, जब तक ये डाउनलोड हो रही है गेम, हम लोग जो मॉड वाला है वो भी डाउनलोड करना है, रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जो SAMP ये जो सेकेंड लिंक जो आपको मिलेगी, ठीक है, मैं दोनों को मतलब दे दूंगा, GTA San Andreas की गेम की लिंक और मॉड की लिंक, ठीक है। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, दोनों फ्री है एकदम, तो मतलब कोई मतलब चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो सेकंड वाली लिंक जो होगी वहाँ पे जाके ये जो पहला वाला एकदम पहली जो लिंक है ना, SAMP 0.3.7R4 क्लाइंट, ये वाली, इस वाली लिंक को आपको क्लिक कर देना है, ये क्लिक कर देना और इसको भी होने देना है डाउनलोड। अभी वेट करो जब तक दोनों चीज़ें डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये गलती कभी बिल्कुल भी मत करना कि अगर आपकी गेम पहले डाउनलोड नहीं होती, अगर SAMP अगर आपसे आपका जो है वो पहले डाउनलोड हो जाता है तो ये गलती मत करना, कि आप ये मत सोच लेना कि पहले मैं इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये मत करना। क्योंकि क्या है कि जिस फोल्डर में आपका गेम है वो इंस्टॉल होने वाला है, उसी फोल्डर के अंदर हमें ये SAMP को इंस्टॉल करना है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। क्या करना है, जिस फोल्डर में हमारा गेम का जो डायरेक्टरी है उसी फोल्डर के अंदर
हमें ये ऐसे एम पी को इंस्टॉल करना है, ताकि वो क्या करेगा कि जो जी टी एस सैन एंड्रियास जो है उसको अच्छी तरीके से मॉड करके बना के देगा हमको एक उसका मल्टीप्लेयर वर्जन। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरी जो दोनों गेम्स है वो हो चुकी है इंस्टॉल। ठीक है, मैं दोनों को शो इन फोल्डर कर लेता हूँ। ठीक है, ये फोल्डर में दोनों गेम्स है। अब मैं जी टी ए सैन एंड्रियास को एक बार ओपन करके उसका जो सेटअप है पूरा वो कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, ये आप ब्राउज करके कहीं पे भी जिधर आपको डालना हो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ये है आपका गेम का लोकेशन, और ये याद रखना जिधर गेम इंस्टॉल होगी वो लोकेशन आपको याद रख। ठीक है जी, तो मतलब देख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे कि जो मेरा गेम है वो इंस्टॉल हो गया। तो अब क्या करना है, स्टार्ट बटन दबाओ, यहाँ पे लिख दो जी टी एस एन एंड्रियास, ये रहा फोल्डर, उसका पूरा का पूरा रेडी है। क्या करना है, ओपन फाइल लोकेशन। तो मतलब अभी तो इसका काम है अपने को, तो मतलब ये रही, ये नहीं कहाँ गई ये, हाँ ये रही हमारी लोकेशन, ये यहाँ पे जाना है आपको जी टी एस एन एंड्रियास। ठीक है, ये है गेम आपकी, ये गेम है, इसको भी ओपन करने का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है यहाँ को। आप ये इस चीज़ को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको मतलब एज इट इज ही रहने दो। अब क्या करना है, ये जो एस एम पी वाला फोल्डर है इसको कर दो शो इन फोल्डर। भाई यहाँ पे क्यों चला गया तू, हाँ इसको कर दो शो इन फोल्डर। अब इसको कर दो इंस्टॉल, इंस्टॉल कर दो, येस कर दो, फिर इसको डायरेक्ट आई एग्री कर दो। और ये जो डेस्टिनेशन ये वाला जो है इसको आपको ब्राउज करना है। ठीक है, ब्राउज करना है और फिर ये जो लोकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो धीस पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी, सी के अंदर यूजर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यूजर्स, यूजर्स के अंदर डी एक्स, डी एक्स के अंदर डाउनलोड्स, कहाँ के डाउनलोड्स भाई, डाउनलोड की तरह भाई, ये रहा डाउनलोड्स, डाउनलोड्स के अंदर जी टी एस एन एंड्रियास, और ये सिलेक्ट कर दो, और फिर ओके ये फाइल हो गया, और फिर इसको कर दो इंस्टॉल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको इंस्टॉल कर दो फिर फिनिश, और ये यहाँ पे आगे सेटअप करना भी बहुत ईजी है। ठीक है, ये एस एम पी जो है इसको कर दो भी डबल क्लिक, अगर ऐसे ना हो तो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर यस। अब ये जो है वो मेन चीज़ है, मतलब इसी से भी आपका जो गेम है वो खुलेगा। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, और जिधर मतलब काम का नहीं आएगा कुछ उधर मैं अपना, हाँ तो अभी क्या करना है, ये होस्टेड में जाना है, फिर यहाँ जो मोड है फिल्टर में जो मोड है वो यहाँ पे आपको देखिए नीचे आपको ये जो मोड है यहाँ पे लिखना है माइक, खाली माइक लिखना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये रहा सर्वर। ठीक है, ये रहा, इसको राइट क्लिक करके पहले तो कर दो ऐड टू फेवरेट। ठीक है, और ये इसका आईपी पोर्ट है। ठीक है, ये आपको ऐड टू फेवरेट कर लेना है। अब क्या होगा, जब आप फेवरेट्स में जाओगे तो आपको ये मतलब सर्च करना नहीं पड़ेगा, आपको पहले मिल जाएगा। इसको राइट क्लिक करो और कर दो कनेक्ट, कुछ नहीं करना, बस राइट क्लिक करो कनेक्ट करो। ठीक है, अब ये डिवाइस टू यूज़ मतलब किधर आपको ये करना है वगैरह वगैरह सब। ठीक है, ये डिवाइस ओके, ये करके ओके कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अब जो है यहाँ पे मेरी जो गेम है वो हो जाएगी ओपन, आपको वेट करना है गेम को ओपन होने का। देखो यहाँ पे सैन एंड्रियास मल्टीप्लेयर लिखा हुआ आ गया, कोई भी क्लिक बेट नहीं था। ठीक है, मैंने जैसा बोला था आपको कि आप खेल पाओगे वैसे ही आप अपने दोस्तों के साथ इसमें खेल पाएंगे। ठीक है, तो अभी गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ उसके ट्यूटोरियल्स वगैरह रहते हैं वो थोड़े से आ जाएंगे। ठीक है,